पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने बिहार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ बात करने के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक संजय मयूख जी। संजय जी, इसे किस रूप में लेना चाहिए, कि लगता है कि बिहार की पॉलिटिक्स में कुछ नया खेल होने वाला है? नहीं, ये तो होना ही था। रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से विपक्षी एकता और विपक्षी एकता का स्वांग भरा है, तो आज तो सामाजिक न्याय चकनाचूर हो रही होगी पटना की धरती पर। सामाजिक न्याय का ढकोसला बांधकर जनता दल यू ने गलबहियां की थी राष्ट्रीय जनता दल से, तो इन लोगों का सामाजिक न्याय, और जो महादलित के बारे में लंबी लंबी बातें करते थे, इन लंबी लंबी बातों की अर्थी उठ चुकी, और बिहार से सरकार का भी जाना लगभग तय हो रहा है, क्योंकि इस जनता दल यू के नेतृत्व, माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व से विधायक ही नहीं, उनके गठबंधन दल के नेता भी खफा हैं, उसका साक्षात प्रमाण बिहार को मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री विपक्षी एकता का की बात कर रहे थे, और तमाम दलों को उन्होंने बिहार पटना में इनवाइट किया था। अब तो पटना बिहार की ही पार्टी उनको साथ छोड़ के जा रही है, तो कौन सी पार्टी उनके साथ है? जिस पार्टी से निकले थे, मतलब तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, लालू यादव के नाम से शुरू और लालू यादव के नाम से उनकी पार्टी खत्म होने के कगार पे है। धन्यवाद हमसे बात करने के संजय भाई। संजय मयूख जी थे जो साफ तौर पे कह रहे थे कि तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम से खत्म, यानी लालू यादव से शुरू हुए थे नीतीश कुमार और लालू यादव पर ही खत्म हो रहे हैं। कैमरामैन वेद पांडे के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।